भी आपको बराह रास्त कज़ाफी स्टेडियम ले चलते हैं जहां पर सरफराज अहमद मीडिया से बात कर रहे हैं। की भी है, आई थिंक उनको हम यूज़ करें टीम में, वो हमारा मेन प्लेयर है, उसने बड़े परफॉर्मेंसेज किए, हो सकता है कि आने वाले वक्तों में वो टीम में आए, अगर ऐसी कोई भी चीज़ होती तो वो शायद यहाँ पे नहीं होता। देखें T20 में आप कह सकते हैं कि दो प्लेयर जो हैं हमारे काफ़ी यंग हैं, लेकिन अगर आप ODIs में आप देखते हैं तो एक चार का मेरे खासे सीनियर बॉलर हैं, वहाब है, आमिर है, जुनैद खान है, हसन अली, उसके साथ फहीम अशरफ को हमने इंडक्ट किया है टीम में। तो आई थिंक देखें बॉलिंग काफ़ी सीनियर थे और हमने इन बॉलरों से बात की कि अब आप बहुत ज़्यादा सीनियर्स हो गए हैं, आपने इतने क्रिकेट खेल लिए कि अब आपको स्टेप आउट करना पड़ेगा। फास्ट बॉलिंग है बेसिकली हमारा एक शोबा है जो कि हमें वहाँ परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। तो आई थिंक इंशाल्लाह उम्मीद है कि आमिर हो गए, वहाब हो गए, ये इस टूर में इंशाल्लाह स्टेप अप करेंगे और पाकिस्तान टीम को अपनी बॉलिंग से मैच जितवाएंगे। अच्छा सरफराज, कैप्टन का बड़ा लीडिंग रोल होता है, तो ये जो स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल जिस तरह हमारी टीम में आ जाते हैं, सजा और जजा को किस तरह कितना आप सपोर्ट करेंगे? देखें सर, देखें एक बुरी चीज़ है, आई थिंक मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जाहिर सी बात है अफसोस होता है कि आपके कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो आपकी टीम की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जो टीम के लिए सेट हो जाते हैं, लाइक शर्जील। ऑब्वियसली देखें हम सबको पता था कि वो एक ऐसा प्लेयर था जो तीनों फॉर्मेट में सेट होने लगा था, तो आई थिंक कोई भी अगर ऐसा प्लेयर होता है तो ऑब्वियसली दुख होता है, अफसोस होता है कि आपके एक टीम का एक कॉम्बिनेशन जो है वो ख़राब हो जाता है। अच्छा, हमें देखिए जी बिल्कुल, देखें स्पेशली जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक जैसे हफीज़ भाई हैं और शुएब भाई हैं, उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली इन ODIs में, क्योंकि हमारे लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरी भी हमसे कोशिश यही है कि ये जो प्लेयर हैं, देखो जूनियर प्लेयर भी साथ हैं टीम में, देखें अहमद शहजाद और कामी भाई का कमबैक हो रहा है टीम में, तो आई थिंक मैं इनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, शुएब भाई हैं, अपना हफीज़ भाई हैं, वहाब है, आमिर, आई थिंक इनकी हम सबकी ये कोशिश है, मुझ समेत हम सबकी ये कोशिश है कि हम लोग फ्रंट से सामने आएँ और अपनी टीम को जितवाएँ। याकूब सर, सरफराज ये शदीर के बाद शदीर बड़ा सीजन प्लेयर था, तो उसके बाद क्या जरूरी था कि अजहर अली को टीम में रखा जाता है, क्योंकि वो बड़ा सीनियर है, उसकी परफॉर्मेंस एज ए बैट्समैन ठीक रही है, तो ये चीज़ें गाने की हो सकती है उसकी ना परफॉर्मेंस ना ठीक हो, लेकिन उसकी एज एज ए बैट्समैन परफॉर्मेंस ठीक। जी सर बिल्कुल, देख नहीं सर, देखें निकाला नहीं है सर, मैंने पहले भी बताया आपको कि उसको बिल्कुल निकाला नहीं है, वो हमारा मेन प्लेयर है, अगर ऐसी कोई चीज़ होती तो वो हमारे जो ये 30-32 लड़कों का जो एक सिलेक्टर ने पूरा पूल बनाया है वो उसमें नहीं होता, मैंने आपको पहले ही मेंशन किया वो हमारा मेन प्लेयर है, हमारी कोशिश ये थी कि जो प्लेयर्स इन फॉर्म हैं अभी उनकी फॉर्म को यूटिलाइज़ किया जाए पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि देखें कामी भाई आए हैं टीम में, ज़बरदस्त उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस की, उसके बाद PSL ने परफॉर्मेंस की है, अहमद डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस की है, तीनों जो ओपनर्स हमारे हैं वो ज़बरदस्त फॉर्म में थे, तो हमने कोशिश ये की कि इनकी फॉर्म को यूटिलाइज़ किया जाए और इनसे पाकिस्तान जो फॉर्म इनकी चल रही है इन्हीं को लेकर पाकिस्तान टीम में लेके जाएँ, ताकि अपनी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान टीम को ऊपर लेके जाएँ। जहां तक रही अजहर अली की बात, वो हमारा मेन प्लेयर है, इंशाल्लाह हो सकता है कि आने वाले वक्तों में हमारा क्रूशियल टूर है इंग्लैंड का टूर, मे भी हो सकता है वो टीम में हो इंशाल्लाह। उमर, रन जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो आप तीनों फॉर्मेट में, कीपिंग पे कुछ वेरी कर रहे हो कि काफी मुश्किल हो रहा है आपको कीपिंग करना? देखिए नहीं, इतना मुश्किल नहीं हो रहा, देखिए ऑब्वियसली हो जाते हैं लैप्स, लेकिन मैं अपनी पूरी कीपिंग के ही बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं विकेट कीपिंग मेरी अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली मेरी बैटिंग की परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, तो मैं अपना पूरा अपने कोच के साथ, स्टीव विक्सन के साथ भरपूर मेहनत कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह जो मेरे फ्लॉज अगर मुझे कहीं लगता है कि ये इधर मुझे काम करना चाहिए तो मैं उसके साथ बिल्कुल काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरी विकेट कीपिंग अच्छी होगी तो मेरी बैटिंग की परफॉर्मेंस और अच्छी आएगी सामने। लास्ट क्वेश्चन, देखें सर तो डिसाइड नहीं किया, लेकिन कोशिश ये करूँगा इनको टॉप ऑर्डर में यूज़ करें। बिल्कुल, देखें सर हमारा किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं होगा, तीनों चीज़ों पे हमें बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत है। बैटिंग देखें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया टूर पर जाते हैं तो देखें बैटिंग ने हमारी 270, 280, 290 तक किया है, तो कोशिश ये करेंगे कि इसको मेंटेन रखा जाए, 290, 300 तक हम लोग जाएं, उसके 300 प्लस तक जाएं, और बॉलिंग एक ऐसा मेन शोबा है कि हमें वहाँ विकेट लेने की ज़रूरत है, अगर विकेट लेंगे तो हम मैच जीतेंगे, स्पेशली हमें न्यू बॉल्स पर और मिडिल ओवर्स में लाजमी विकेट चाहिए, तो उस पर बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया है, उसके बाद फील्डिंग पर तो हम काम कर ही रहे हैं, तो आई थिंक तीनों शोबे में हम भरपूर जान मार के सारा कुछ जीतने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।
सरफराज आप PSL में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही या क्वेटा ग्रेडिएटर की फाइनल बदकिस्मती से हार गए, कितना आप समझते हैं अभी रिचर्ड सर भी रिचर्ड आपके साथ थे, उन्होंने बड़ा आपको दिखाया हुआ था, वो कितना अब आप कप्तान बने हैं तो कितना आपकी इसमें देखिए सर, उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती थी हम लोगों को, और जिस तरह वो हमारी टीम के साथ रहते थे, और उनकी एक ही चीज़ होती थी कि कोई भी चीज़ हो, क्या है रन ज़्यादा हो क्या है रन कम हो, एक चीज़ होनी चाहिए आपका बिलीफ। वो कहते थे कि स्पोर्ट्समैन के पास बिलीफ है तो वो हर चीज़ कर सकता है, तो मैंने उनसे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं, और जिस तरह वो हमारी टीम को लेकर चलते थे, मोटिवेट करते थे, तो आई थिंक मेरी भी ये कोशिश होगी कि मैं बिलीफ लेके चलूँ और तमाम लड़कों में ये बिलीफ डालूँ कि यार हम अगर इस लेवल पे आए हैं तो हम लोग पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस कर सकते हैं और पाकिस्तान को जिता सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वनडे टीम के कप्तान सरफराज अहमद कजाफी स्टेडियम लाहौर में मीडिया से बात कर रहे थे। टीम की तैयारियों के हवाले से उन्होंने आगाह किया, 20 मार्च को टीम को रवाना होना है वेस्ट इंडीज़ के टूर के लिए।